अरे इसकी तो अभी गिरा दिया था यार। तो अपनी बछड़ी देख सकते हो सामने है, अपनी बछड़ी अभी देखिए कैसा दिख रहा है एकदम। रियो उठने कितना है खबर है, 5 बज गया। फटाफट उठ, उठाए यहाँ पे महेश भाई है लगभग। ओ महेश भाई उठने, तू जाग तो लग गया। वाह सुरेश भाई कहाँ सोएल है, घर में? और है देखो, अरे सूर्या अरे कहीं ना धोनी हाँ तो भाई बोलो हरियो ट्रैक्टर लेने हाल तो सही गयो है, तारे एकला दोई पड़ी तो हरियो ट्रैक्टर लेने हाल तो सही गयो है, हम जाई ही ट्रैक्टर भरवा। अभी तेरे को उठना है तो उठ, नहीं तो सो भाई, अभी तू 9 या 10 बजे तक मिल्किंग करता ही रहे, हम जा रहे हैं। इससे अच्छा तो हमारा महेश भाई बहुत जल्दी उठ जाते। हेलो दोस्तों, कैसे हो, क्या हम सब कैसे आए, आई होप आप सब मौज में हो, अगर मैं भी एकदम मौज में हूँ। सब जो है कि अभी सबको जगह दिया है और सुरेश भाई ने जो है कि मिल्किंग स्टार्ट कर दिया है और मैं और हरी भाई निकल रहे हैं ट्रैक्टर लेके। हो गया हरी भाई रेडी? ठीक है तो चलो ट्रैक्टर चलने दो, मैं बाइक लेके आ रहा हूँ। मैं आज ट्रैक्टर के साथ नहीं जा रहा हूँ, बाइक लेके जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे जो है कि अपनी एक छोटी गाय की बच्ची हमने दी थी, वो छोटे बच्चे को, तो वो जहाँ पे हमें गन्ने की पत्ती भरने जाना है उसके बाजू के ही खेत में जो है कि वो रुके हुए हैं। तो मैंने बोला उस अपनी छोटी जो गाय की बच्ची है उसका भी हालचाल देख के आते हैं, क्योंकि इतनी सारी गाय के बीच में हो रही है, वहाँ पे सिर्फ एक ही बछड़ा है, बाकी सब भेड़ है, उस भेड़ में वो घुल मिल गई है या नहीं, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम जो है कि उस बच्चे को वापस लेके आएंगे। तो सुरेश भाई जो है उन्होंने मिल्किंग स्टार्ट कर दिया है, अब पहली दोहन। वाह, डेली कितनी मिल्किंग हो जाती है फिर हम भरने के लिए जाते हैं? डेली जो है कि हरी भाई जो है कि 3 या 4 गाय का मिल्किंग करके फिर हम जो है ट्रैक्टर भरने के लिए जाते हैं, लेकिन आज जो है एक भी गाय का मिल्किंग नहीं किया है, आज सब गाय का मिल्किंग जो है उसको करना पड़ेगा। हरी भाई ने तो ट्रैक्टर इतना भगाया भाई, गाड़ी से पहले आ गए, मुझे लगा अभी नहीं इतने जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन बहुत भगाया उसने ट्रैक्टर। और आप सामने देख सकते हो वहाँ पे है अपनी छोटी गाय की बच्ची, तो पहले जो है कि ट्रैक्टर भर लेते हैं फिर जो है कि चलते हैं वहाँ पे। हरी भाई बहुत भगाया यार तूने ट्रैक्टर, हैवी ड्राइवर। अरे हैवी ड्राइवर इतना भगा तक मैं गाड़ी लेके तेरे पीछे तुरंत ही निकला हूँ, फिर भी तू, मैंने बोला अभी पकड़ लूंगा अभी पकड़ लूंगा, तू तो सीधा खेत में ही पहुंच गया। गेहूं का भूसा से ज्यादा जो है कि गन्ने की पत्ती खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन ये क्या है कि गन्ने की पत्ती अभी कम मिलती है, इस साल जो है कि गन्ना बहुत कम है, इसकी वजह से पत्ती भी बहुत कम मिलती है। अभी जो है कि हमारे इस गांव में अभी तक यहाँ 3 या 4 खेत की कटाई चालू है, तो उसमें से ये पहला खेत है जो कि इसकी पत्ती हम लेके जा रहे हैं, और दो तीन खेत है लेकिन वो गाँव के बाजू में, ये गाँव से लगभग मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर दूर है। तो अभी फटाफट से जो है कि पत्ती भर लेते हैं। क्या सुबह सुबह खा के आया कि नहीं, कितना उठा रहे हैं? तो आधे से ऊपर जो है कि हमारा ट्रैक्टर भर गया है, अभी भी आधा भरना है, हमने जो है कि इतना सिर्फ 10 मिनट में इतना भरा है, और हमें 10 मिनट लगे, 10 मिनट में जो है कि हमारा ट्रैक्टर फुल। तो फाइनली जो है कि ट्रैक्टर भर गया है, अभी हरी भाई जा रहा है ट्रैक्टर लेके घर पे, मैं जो है कि अपनी बछड़ी है उसका हालचाल देखता हूँ फिर चलता हूँ बाइक लेके। मैं किधर से ले रहा है, इधर से? हाँ ठीक है, यहाँ से सीधा जान दे, उस पेड़ के बाजू में रास्ता है, वहाँ से सीधा रास्ते पे निकाल। तो यहाँ पे है अपनी लाल परी, इसको जो है कि यहीं पे रहने देते हैं और अपन चलते हैं सीधे आगे, और सामने जो है कि उनका वाड़ा दिख रहा है, बाकी जो है खेत है ये पूरा प्याज का है,
और ये प्याज की पत्ती देख सकते हो, अभी जो है कि प्याज की पत्ती है, और इस कैरेट में आप देख सकते हो प्याज है। वो नीचे दबा थोड़ा सा, तो अपनी बछड़ी देख सकते हो सामने है अपनी बछड़ी। ये रही अपनी बछड़ी, अभी जो है कि अनकंफर्टेबल फील करती है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी जो है कि थोड़ी दुबली पड़ गई है, लेकिन मेरे ख्याल से लगभग 8-10 दिन में या 15-20 दिन के अंदर जो है कि हट्टी गट्टी फिर से जो है कि ऐसी हो जाएंगी। अभी ये देखिए कैसा दिख रहा है एकदम, ये पोपट मामा का है, आपने भी एक पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था आपको, और ये अपनी है। तो अभी जो है कि ये वाला है तो इसको अकेलापन महसूस नहीं होगा। तो ये है मक्का फड़ा और इसमें कुछ चावल है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं इसको सुबह शाम जो है कि पशु आहार बोलते हैं, अपने से पशु आहार देते हैं। हाय हाय बच्चे, ओ बच्चे चारा खा रहे ना? हाँ। तो फिर दुबली क्यों पड़ गई? थोड़ा कम खा रही। हाँ तो उसको क्या है कि अभी आदत नहीं ना, आदत नहीं, क्योंकि अभी जो है कि ये पूरी भीड़ देख के उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, बोलेंगे ये क्या है मेरे, मैं तो गाय के साथ थी। 8 दिन या 10 दिन के अंदर तो लगभग मेरे ख्याल से चारा खा लेंगे अच्छी तरह से खाएंगे। अभी जो है कि वो चारा बहुत कम खा रही है, थोड़ी जो है कि कमजोर पड़ गई है, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि जो है कि 10-15 दिन या 20 दिन के अंदर उसको आदत हो जाएंगी, 4-5 दिन हो गए है अभी, तो उसकी वजह से जो है कि चारा इतना सही तरह से नहीं खा रही है, क्योंकि वहाँ पे जो है कि उसके साथ बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और यहाँ पे जो है कि एक ही बच्चा है और सब भेड़ है, तो अभी जो है कि 8-15 दिन लगेगा, बाद में जो है कि इनके साथ वो घुल मिल जाएंगी तो फिर से हट्टी कट्टी हो जाएंगी। भेड़ को जो है कि ये ज़्यादा पसंद होता है, गाय को भी ये बहुत पसंद होता है। और ये देख सकते हो ये है प्याज, जो है कि यहाँ बड़े बड़े खेत हैं, तो फिर जो है कि पूरी प्याज की कटाई करके जो है कि ऐसे बड़े बड़े ढीक करके रखते हैं, फिर यहाँ से जो है कि कोई किसान भाई जो है डायरेक्ट सेल कर देता है, यहाँ से सीधा मार्केट पे लेके जाते हैं, कोई किसान भाई जो है कि उसका स्टॉक करके रखते हैं, जब प्याज का रेट बढ़ता है बाद में सेल करते हैं। बांध दो फटाफट, फोन करके इतना चिल्ला रहा है जल्दी गाड़ी लेके आ, जल्दी गाड़ी लेके। हरी भाई बोल इसको, नहीं तो मैं एक दिन उसको बहुत बुरा मारूंगा मैं। हाँ नहीं तो क्या है, मेरे को अभी तक उसने 4 फोन कर दिया कि भाई गाड़ी लेके जल्दी आ, गाड़ी लेके जल्दी आ। तो चलो ट्रैक्टर घर पे आ गया है, फटाफट से ट्रैक्टर जो है इसको खाली कर देते हैं, मिल्किंग वगैरह हो गया है खत्म। अभी जो है कि सुरेश भाई लेके जा रहा है दूध, फटाफट से दूध दे के। हाँ दूसरा भी काम है अपने को, आज क्या काम है? बहुत सारा काम है कि चाय दूध पीते हैं फिर चलते हैं, ट्रैक्टर भी खाली करना है। तो चलो अभी चाय दूध पी लिया है, अभी कर देते हैं ट्रैक्टर खाली। यार वो साइड को सीधा कर, अबे सीधा करना है भाई, बस। आज जो है कि ट्रैक्टर को यहाँ पे खाली करना है आधा, और आधा जो है कि वाड़ा के अंदर खाली करना है, क्योंकि गन्ने की सीजन जो है वो खत्म होने के बाद जो है कि फिर सूखा चारा कुछ नहीं मिलता है, तो इसका हम अभी थोड़ा बहुत स्टॉक करके रखेंगे। बस एकदम दबा के ले, छोड़ दे फटाफट बन सर। ये देखो भूरी को हम इसकी वजह से नहीं छोड़ रहे, अभी देखो अगर बाबा जख्म हो जाएंगी भूरी, ऐसा मत कर। वो देखो भूरी ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है भूरी, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे जो जख्म है तो इसकी वजह से जो है कि वो घिसती है, वो फिर से जख्म कर देंगी। रुक जा। अबे उसकी तो अभी गिरा दिया था यार, अबे उसको जहाँ जख्म है वहाँ पे वो घिसती थी, अभी घिस रही थी वो खटिया के साथ।
वो बबूल के साथ जाके घिसेंगी उसको, एक काम कर बांध दे लाओ इधर, माल पावड़ा लाओ इधर, उसको बांध दे, फिर से जख्म कर देंगी वो, ऐसा नहीं करना है। क्या लगे बांधे बांधे बांधे, कोई बात नहीं बांधे, पकड़ उसको यार, ऐसा क्या कर रहा है मैं, ना यार उसको बांध के खिला भाई, ठीक है कोई नहीं भूरी, बहुत जल्दी तू रिकवर हो जाएंगी भाई, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगी भूरी। महेश ये जो जर्सी है उसको छोड़ दे, भूरी को मार रही, छोड़ दे उसको, ठीक है। अरे भाई जल्दी आ जा, खाली हो गया था, जान दो इतना वाड़ा में, थोड़ थोड़ा खाली करो, थोड़ा वाड़ा में करो, इम करो, आधा इधर खाली करना है, आधा इधर और आधा वाड़े में। अरे बोल कहीं नहीं रे भाई, पर आपको दी खावा जो ही है गाय में, बस इतना जो है कि वाड़ा में खाली कर देंगे। हां अब पाउडर ले ले, उसमें थोड़ा चढ़ो, गो अब जो है कि ये वाला भी गन्ना दो दिन के अंदर जो है कि यहाँ पे आपको ये गन्ना नहीं देखेगा, क्योंकि इसकी भी कटाई चालू हो गई है। कल भी हम एक जो है ट्रैक्टर गन्ने की पत्ती का भर के लाए थे, तो वो तो पूरा फिनिश कर दिया था, थोड़ा बहुत बचा है और आज इतना है, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि कल का थोड़ा बहुत है तो पूरा खा जाएंगे। और ये भी पत्ती जो है कि ये भी लानी है हमें, तो ये तो सीधी यहाँ से सीधी इधर पटक देंगे। क्या क्या काम किया आज तुमने? मिल्किंग किया, हाँ, बछड़िया बांधी, हाँ, और इधर उधर थोड़ा बहुत काम किया, हाँ, और ऐसे थोड़ा टहल रहा हूँ, हाँ, आज गोबर पड़ा है, गोबर भरने आने वाले, हाँ, क्या टेम्पू के ट्रैक्टर, ट्रैक्टर आने वाले, हाँ, तो गोबर भरने के लिए आज ट्रैक्टर आने वाला है। अरे भाई फटाफट से खाली करके ट्रैक्टर बाहर निकाल दे, ओए ले ले, क्या हाल चाल। हमारे महेश भाई ने काम स्टार्ट कर दिया है। महेश भाई बहुत सारे दोस्तों की वो Q&A वाली वीडियो आ रही कि आप कमेंट का रिप्लाई कब देने वाले हो, तो फाइनली सभी के रिप्लाई आपको कल के ब्लॉग में मिलने वाले हैं, और इस ब्लॉग में भी आप कमेंट कर देना, हम इसमें से भी आपकी जो कमेंट्स है वो पढ़ के आपको रिप्लाई कर देंगे। महेश भाई के बारे में जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, हरी भाई के बारे में, सुरेश भाई के बारे में, मेरे बारे में जो भी पूछना है ब्लॉग के नीचे कमेंट कर देना। कल के ब्लॉग में जो है कि एक Q&A वीडियो आने वाला है, जो कि उसमें आप सबके सभी एक साथ रिप्लाई दे देंगे। हर ब्लॉग में आपके कोई ना कोई प्रश्न होते हैं, तो हर ब्लॉग में तो मैं रिप्लाई कर नहीं सकता, तो कल जो है कि कल के ब्लॉग में मैं सभी के कमेंट की रिप्लाई करने वाला हूँ। तो आप जो है कि इस ब्लॉग के नीचे भी आप कमेंट कर देना। पहले भी एक ब्लॉग में मैंने बोला था, उसमें भी आपने बहुत भर भर के कमेंट किए थे, एक सबसे ज़्यादा कमेंट आती है उसका रिप्लाई आज इसी ब्लॉग में दे देंगे, वो है गड्ढा के बारे में कमेंट्स था। भाई आप गड्ढा से ब्रीडिंग क्यों नहीं करवाते? क्योंकि गड्ढा जो है उसकी उम्र हो गई है, गड्ढा जो है ब्रीडिंग करता नहीं है अभी, गड्ढा जो है उसकी उम्र हो गई है 12 साल, हमारे गड्ढा की जो उम्र है वो कंप्लीट हो गई है 12 साल, तो इसकी वजह से जो गड्ढा है वो ब्रीडिंग करता नहीं है। तो इसकी वजह से जो है कि हमने 3 बुल रखे हैं, आपको भी पता है, छोटा गोटिया, तो छोटा जो है अभी छोटा है और गोटिया जो है वो ब्रीडिंग करता है, तो जब तक छोटा चालू नहीं होता तब तक हम जो गोटिया को रखने वाले हैं, फिर जो गोटिया को पोपट मामा के वहाँ छोड़ के आएंगे या किसी को दे देंगे जिसको ज़रूरत है उसको दे देंगे, बाद में जो है कि छोटा को एक कोई रखेंगे। गन्ने की पत्ती भरने के लिए गए थे तो ये वाली जो जाली है वो निकाल दी थी, तो अभी जो है कि फिर से लगा रहे हैं, क्योंकि पाला जब भरने जाते हैं तब जो है कि इसकी ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो बाद में क्या है कि पाला जब नीचे गिर जाता है। दो
फाइनली जो है कि जाली लगा दी है, अभी हरी भाई जो है कि जा रहा है मार्केट को। तो चलो अभी फटाफट से जो है कि गाय छोड़ देते हैं और थोड़ा बहुत जो है कि गोबर ही हमें इकट्ठा करना है क्योंकि ट्रैक्टर भी भरने के लिए आ रहा है। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कोई नए ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा।